हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट वन जियोलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड के चैप्टर थर्ड साइकॉन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन इन साइकॉन का अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। साइकॉन में रिप्रोडक्शन ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो कई विधियों के द्वारा संपन्न होती है। रिप्रोडक्शन ये दो शब्दों के द्वारा बना हुआ है, री और प्रोडक्शन। री का तात्पर्य पुनः और प्रोडक्शन का आशय टू प्रोड्यूस या निर्मित करना होता है। तो रिप्रोडक्शन को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द सेम इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, अपने ही तरह के जंतुओं को निर्माण या सृजन करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और यह सभी जंतुओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। रिप्रोडक्शन के कारण से जंतु हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के द्वारा जंतु अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जंतु अपने तरह के जंतुओं को निर्मित कर सकता है, अपना अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रख सकता है, और साथ ही साथ वह अपनी संख्या में भी वृद्धि कर सकता है। रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का रिप्रोडक्शन, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसे हम नॉन गैमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नए जंतु के सृजन या निर्माण के लिए मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और इस विधि में जंतु मेल और फीमेल गैमेट के परस्पर संयोजन के द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा नए जंतु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नए जंतु के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। साइकॉन में जो रिप्रोडक्शन है वह भी दो तरह से होता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह चार प्रमुख विधियों के द्वारा पूर्ण होता है। पहला है बडिंग, दूसरा रीजनरेशन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज, और चौथा है जेम्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट के फ्यूजन के उपरांत पूर्ण होता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है, और वह जाइगोट विभाजन और विकास की विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंत में एक नए जंतु का निर्माण करता है। तो यह दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एनिमल में अपने ही तरह के नए जंतुओं के निर्माण की क्षमता है, और ये जो नए जंतु बन रहे हैं इनके सृजन या निर्माण के लिए गैमिट की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जबकि दूसरे तरह के रिप्रोडक्शन में मेल अपने मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है, फीमेल फीमेल गैमिट या ओवा प्रोड्यूस करती है, मेल गैमिट के द्वारा फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है। यह जायगोट पोस्ट जायगोटी डेवलपमेंट की विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंत में नए जंतु का निर्माण करता है। तो यहाँ पर नए जंतु के निर्माण के लिए चूंकि मेल और फीमेल गैमिट्स की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आइए अब हम विस्तार से साइकॉन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि का अध्ययन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकॉन में यह चार प्रमुख विधियों के द्वारा होता है। ये विधियां हैं बडिंग, रीजनरेशन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज और चौथा है जेम्यूल फॉर्मेशन। बडिंग के संदर्भ में हम देखते हैं साइकॉन में बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला, बडिंग के द्वारा साइकॉन अनुकूल परिस्थितियों पर प्रजनन आरंभ करता है और अनुकूल परिस्थिति का आशय यह है कि साइकॉन जिस आवास में रहता है उस आवास में भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तापमान बडिंग की प्रक्रिया के लिए अनुकूल होती है, पानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त होती है और ये सभी जब संतुलित मात्रा में साइकॉन को उपलब्ध होते हैं तब इन्हें हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में ही साइकॉन बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरंभ करता है। बडिंग के लिए जो साइकॉन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है उसके लिए आवश्यक है कि वह साइकॉन पूरी तरह से मैच्योर होना चाहिए, अर्थात उसे पूरी तरह से विकसित होना चाहिए। तो पूर्ण विकसित साइकॉन बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक प्रजनन प्रारंभ करते हैं। बडिंग की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है वो भी हम देखें। बडिंग की प्रक्रिया साइकॉन के स्टोलन या बेस वाले भाग से शुरू होती है। हम जानते हैं कि साइकॉन एक फिक्स्ड एनिमल है जो आजीवन किसी ठोस आधार पर चिपका हुआ होता है और जिस सतह के द्वारा जिस आधार पर वह चिपका हुआ होता है उस आधार को बेस कहा जाता है, इसे ही स्टोलन कहा जाता है। तो बडिंग की प्रक्रिया इसी साइकॉन के बेस या स्टोलन वाले भाग से एक छोटे से उभार के रूप में आरंभ होती है। धीरे धीरे यह जो उभार है यह उभार अपनी रचना में वृद्धि करते चला जाता है। तो आरंभिक तौर पर जो छोटा सा उभार स्टोलन या बेस पर बनना शुरू होता है उसी उभार को बड कहा जाता है। यह बड अपने पेरेंट बॉडी से पोषण प्राप्त करते हुए वृद्धि करता है और धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ने लगती है। जब ये पर्याप्त लंबाई या पर्याप्त आकार प्राप्त कर लेता है उसके उपरांत इस बड के शीर्ष भाग पर आस्कुलम का निर्माण होता है और शेष शरीर के समस्त भाग पर ऑस्टिया का निर्माण होता है। तो ऑस्कुलम और ऑस्टिया का निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अब इस नए जंतु के शरीर के अंदर पानी का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और यह आत्मनिर्भर हो जाता है। इस पूर्ण विकसित नए जंतु के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि ये अपने पेरेंट की बॉडी से पृथक हो जाए, डिटैच हो जाए, और डिटैच होने की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि जिस स्थान से यह नया साइकॉन अपने पेरेंट के बॉडी से जुड़ा हुआ होता है वहाँ एक कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है, एक तरह के दबाव की प्रक्रिया शुरू होती है और ये जो दबाव है धीरे धीरे गहरा होते चला जाता है और अंत में यह नया बना हुआ साइकॉन अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, पृथक हो जाता है और पृथक होने के बाद यह पानी की लहरों के साथ दूसरी जगह पर या आसपास की जगह पर पहुंच जाता है और जब इसे कोई ठोस आधार प्राप्त होता है तो यह अपने बेस के द्वारा उस आधार से चिपक जाता है और अपना जीवन नए सिरे से प्रारंभ करता है। तो यह जो नया साइकॉन है यह पेरेंट की बॉडी से पृथक होकर के अपना जीवन प्रारंभ कर रहा है। वहीं दूसरा विकल्प यह होता है कि यह नवनिर्मित जो यंग साइकॉन है ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच नहीं होता है, वो हमेशा अटैच्ड रहता है और अटैच रहते हुए वह
अपनी तमाम जैविक आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूर्ण करता है, अर्थात इसके शरीर के अंदर जल की धारा ऑस्टिया के द्वारा प्रवेश करती है और आस्कुलम के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो अपनी तमाम आवश्यकताओं को यह व्यक्तिगत रूप से पूरा करता है और इसके लिए वह अपने पेरेंट्स पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन यह अपने पेरेंट्स के बॉडी के उस भाग से निरंतर अटैच रहता है, आजीवन चिपके रहता है जहां से उसका सृजन या उसका निर्माण हुआ था। इसके फलस्वरूप साइकॉन एक समूह के रूप में प्रदर्शित होने लगते हैं और इसी समूह की स्थिति को हम कॉलोनी कहते हैं। तो ये स्पष्ट है कि यदि नवनिर्मित साइकॉन अपने पेरेंट की बॉडी से अटैच रहता है तो वहां पर एक समूह की संरचना होती है और जंतु कॉलोनियल हो जाता है, तो इस अवस्था को हम कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। तो यह एक सरल सी विधि है जिसके द्वारा साइकॉन अपनी संख्या में वृद्धि भी करता है और साथ ही साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। चूंकि यहाँ पर नए जंतु के निर्माण की शुरुआत बड के निर्माण से आरंभ होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को बडिंग कहा जाता है। और इस बड के निर्माण के लिए मेल और फीमेल गैमिट की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। आइए दूसरी प्रक्रिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे हम रीजेनरेशन कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। साइकॉन में भी रीजेनरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो अनुकूल अर्थात फेवरेबल या सेमी फेवरेबल कंडीशन पर आरंभ होती है। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये साइकॉन अपने शरीर के टूटे हुए या क्षतिग्रस्त भाग को, जिसके हम कहते हैं डैमेज पार्ट, उससे एक नया जंतु बना सकता है या उस भाग को रिपेयर कर सकता है, और यही प्रक्रिया रीजेनरेशन कहलाती है। शरीर यदि छोटे छोटे टुकड़ों में किन्हीं भी बाहरी कारणों से विभक्त हो जाता है तो इसका प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के एक नए साइकॉन के रूप में निर्मित हो जाता है, लेकिन यह रीजेनरेशन की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस या धीमी गति से पूर्ण होने वाली प्रक्रिया होती है। और हम जानते हैं कि साइकॉन में रीजेनरेशन की जो क्षमता होती है वो सर्वोत्तम होती है, और इसलिए हम कहते हैं ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। इस चित्र के माध्यम से हमने रीजेनरेशन की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया है। ये एक पूर्ण विकसित साइकॉन है, किन्हीं कारणों से इस साइकॉन का शरीर ये तीन भागों में विभक्त हो गया, टूट गया, जिनमें आगे का हिस्सा ये ए सेगमेंट है, मिडिल बी सेगमेंट है और जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है वो सी सेगमेंट है। तो ए सेगमेंट अपने पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है, उसी तरीके से बी सेगमेंट भी अलग हो जाता है और सी सेगमेंट बी और ए सेगमेंट को छोड़ करके यह अपने आधार पर ही लगा हुआ होता है। हम प्रत्येक सेगमेंट पर रीजेनरेशन की प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि सेगमेंट ए, इसने अपना बी और सी भाग को खो दिया है और इसलिए यह जो ए सेगमेंट है ये रीजेनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा अपने खोए हुए बी और सी भाग को रीजेनरेट कर लेता है, उन्हें पुनः निर्मित कर लेता है और इस तरह से वह एक नए साइकॉन के रूप में विकसित हो जाता है। इसी तरह से जो सेगमेंट बी है उसने सेगमेंट ए को खोया हुआ है और सेगमेंट सी को खोया हुआ है, इसलिए यह रीजेनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा ए और सी सेगमेंट को विकसित कर लेता है और इस तरह ये एक नए साइकॉन के रूप में विकसित हो जाता है। और सेक्शन सी, सेगमेंट सी, इसने अपने बी और ए भाग को खोया हुआ है और इसलिए यह सेक्शन सी या सेगमेंट सी अपने खोए हुए बी और ए भाग को विकसित कर लेता है और ये नए जंतु के रूप में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जंतु की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए यह रिप्रोडक्शन है, और साथ ही साथ इन जंतुओं की संख्या में वृद्धि का जो आधार है
वह बिना गैमीट के उपयोग के हुआ है, इसलिए यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन जब बिना गैमीट की आवश्यकता के हो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन यहां पर हम पाते हैं कि जंतु अपने खोए हुए भागों को पुनः निर्मित कर लेता है, पुनः सृजन कर लेता है, इसलिए इस प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं और साइकॉन में रीजनरेशन की विलक्षण क्षमता होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तीसरा प्रारूप या विधि है वह कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज ये काफी हद तक रीजनरेशन से समानता व्यक्त करता है, क्योंकि रिडक्शन बॉडीज से नए साइकॉन के निर्माण के लिए रीजनरेशन की प्रक्रिया ही प्रभावशील होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब साइकॉन का शरीर अनेक खंडों में टूट जाता है या तोड़ दिया जाता है, तो इनके ये जो खंड होते हैं, टूटे हुए खंड होते हैं, इन्हें ही रिडक्शन बॉडीज कहा जाता है। और ये जो रिडक्शन बॉडीज होते हैं इनके सामने दो तरह के विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि ये सारे के सारे जो खंड हैं, टूटे हुए खंड हैं, यदि एक जगह में हैं तो ये परस्पर मिल करके पुनर्नियोजित हो करके ये एक नए साइकॉन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर साइकॉन से एक नए साइकॉन का निर्माण हुआ, संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन सारे टुकड़ों ने, टूटे हुए हिस्सों ने सम्मिलित होकर के एक नए साइकॉन का निर्माण किया है, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प इनके सामने ये होता है कि इसका प्रत्येक सेगमेंट, मान लीजिए ये 10 सेगमेंट पे टूटा हुआ है, तो इसका प्रत्येक सेगमेंट अपने खोए हुए उन सभी अंगों को रीजनरेशन के द्वारा विकसित करते हुए एक नए साइकॉन के रूप में विकसित हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चूंकि प्रत्येक सेगमेंट एक नए साइकॉन के रूप में विकसित हो रहा है, अर्थात इनकी संख्या में भी कहीं ज़्यादा और अपेक्षा की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर चूंकि खंडों के माध्यम से जंतु के नए स्वरूप का निर्माण हो रहा है, नए जंतु का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को रिडक्शन बॉडीज के द्वारा अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। चौथी प्रक्रिया यह है जेम्यूल फॉर्मेशन। साइकॉन सामान्य तौर पर जेम्यूल निर्माण की विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। जेम्यूल का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों पर होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों का आशय यह है कि जिस आवास में साइकॉन रह रहा है वहां पर वाटर टेबल कम होने लगे, पानी का तापमान बढ़ जाए, पानी में भोजन की उपलब्धता कम होने लगे और पानी में ऑक्सीजन की भी कमी बनी रहे, तो ऐसी परिस्थितियों को प्रतिकूल परिस्थितियां कहा जाता है। तो साइकॉन प्रतिकूल परिस्थितियों में जेम्यूल निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करता है। जेम्यूल वास्तव में साइकॉन के शरीर के अंदर बनने वाले बड्स होते हैं। शरीर के अंदर भीतर की सतह पर मीजेनकाइम में बनने वाले बड्स होते हैं, इसलिए जेम्यूल को इंटरनल बड भी कहा जाता है। यह जो प्रोसेस है यह आर्कियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा आरंभ होता है। तो जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट कोशिकाओं के माध्यम से होता है, और ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं चूंकि टोटी पोटेंट सेल होती हैं, किसी भी तरह की कोशिकाओं में बदल सकने की विलक्षण क्षमता रखती हैं, और इसलिए ये मीजेनकाइम में रहते हुए, जैसे हम मान लें ये मीजेनकाइम का भाग है और इस मीजेनकाइम में ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं मौजूद हैं, तो ये गैमिट जिस समय जेम्यूल फॉर्मेशन का निर्माण होना है उस दरमियान ये आर्कियोसाइट सेल परस्पर एक समूह के रूप में एकत्रित होने लगती हैं, और ये कई जगहों पर मीजेनकाइम में ऐसा ही समूह बना लेती हैं। तो आर्कियोसाइट का पहले समूहन होगा, वो एक समूह में एक जगह एकत्रित होने लगती हैं, और इस तरह से एकत्रित होने के बाद ये आर्कियोसाइट कोशिकाओं का एक बॉल बना लेती हैं।
ये जो बॉल है आर्कियोसाइट कोशिकाओं का, यह जो बॉल है इन कोशिकाओं के द्वारा सबसे पहले एक मेम्ब्रेन का सिक्रीशन इनके चारों ओर किया जाता है, एक झिल्ली इनके चारों ओर निर्मित हो जाती है और इस मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जब इनर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात पुनः एक दूसरी मेम्ब्रेन का निर्माण इसके बाहर की सतह पर होता है और इस मेम्ब्रेन को जो बाद में बनती है इसे कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। तो यह मेम्ब्रेन कहलाएगी आउटर मेम्ब्रेन और पहले जो मेम्ब्रेन बनी थी यह मेम्ब्रेन कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। तो ये दो मेम्ब्रेन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है और इसके पश्चात दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ विशेष आकार की स्पिक्यूल्स विकसित हो जाती हैं। यहाँ भी इन स्पिक्यूल्स का जो निर्माण और विकास होता है यह आर्कियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ही होता है और इन कोशिकाओं को एम्फी डिस्क स्पिक्यूल कहा जाता है। एम्फी डिस्क का आशय यह है कि इनका जो आकार है वो डिस्क के समान है और ये जो डिस्क होती हैं इनके दोनों सिरों पर होती हैं और इसलिए इन स्पिक्यूल को एम्फी डिस्क स्पिक्यूल कहा जाता है। ये जो स्पिक्यूल हैं ये इनके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के मध्य में विकसित होती हैं और वहीं पर स्थित होती हैं। जेम्यूल एक छोटे से सरसों के दाने की तरह दिखाई देने लगता है। तो एक पूर्ण विकसित जेम्यूल का जो शेप होता है वो मस्टर्ड सीड के समान दिखाई देता है और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि साइकॉन के शरीर के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे जेम्यूल्स का निर्माण पूर्ण होता है और जब जेम्यूल का निर्माण साइकॉन के मेसेनकाइम में पूर्ण हो जाता है परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो ऐसी स्थिति में साइकॉन का जो शरीर होता है यह शरीर पूरी तरह से टूट जाता है अर्थात यह चूरा चूरा हो जाता है और ऐसी स्थिति में जब साइकॉन का शरीर डीजनरेट हो जाएगा तो इसके अंदर जो जेम्यूल बने हुए हैं वो जेम्यूल साइकॉन की शरीर से बाहर स्वतंत्र हो जाते हैं और पानी में या रेत में बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि सारा का सारा जेम्यूल जंतु की शरीर से स्वतंत्र हो गया। तो साइकॉन के शरीर के अंदर आर्कियोसाइट कोशिकाओं से जेम्यूल के निर्माण की प्रक्रिया जो मेसेनकाइम में संपन्न होती है इसे जेम्यूलेशन कहा जाता है। अब चूंकि साइकॉन के शरीर के डीजनरेट होने के कारण से ये जेम्यूल स्वतंत्र हो गए हैं। अब ये जेम्यूल स्वतंत्र होने के बाद चूंकि इनके सतह पर कुछ हेरी स्ट्रक्चर होते हैं जो मेराइन स्पंज होते हैं उनके जेम्यूल के बाहर की सतह पर ये छोटे छोटे हेयर या रेशेदार रचनाएं होती हैं और इन रचनाओं के द्वारा ये पानी में स्वतंत्रता पूर्वक इधर से उधर भेज दिए जाते हैं, तैरते हुए ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जब ये साइकॉन अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं तो ऐसी दशा में ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं जो जेम्यूल के अंदर स्थित होती हैं वो रीअरेंज होकर के वो एक सुराख के माध्यम से बाहर निकल आती हैं। तो जेम्यूल में जो एक माइक्रोस्कोपिक सुराख या अपर्चर होता है इस अपर्चर को माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में ये जो आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये रीअरेंज होकर के एक ट्यूब के रूप में यहाँ से बाहर निकल आती हैं और बाहर निकल करके ये पानी में तैरते हुए या पानी की लहरों के साथ गुजरते हुए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियों के साथ ही साथ कोई ठोस आधार मिलता है तो ये उस आधार पर आकर के अटैच हो जाती हैं और इस तरीके से ये एक नए साइकॉन के रूप में विकसित होते हुए स्वतंत्र जीवन जीने लगती हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि साइकॉन में जो जेम्यूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जेम्यूल का निर्माण हो रहा है ये जेम्यूल वास्तविक रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया तो है ही लेकिन इसके साथ ही साथ ये साइकॉन को दो तरह से फायदे भी पहुंचाते हैं। पहला फायदा ये हुआ कि ये एक तरह के अनुकूलन
के रूप में काम करती हैं, अर्थात परिस्थितियां जब बहुत प्रतिकूल हो जाती हैं, साइक्लोन का जीवन दुर्भर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जेम्यूल का निर्माण होता है जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती हैं। दूसरा, ये साइक्लोन के डिस्पर्सल में या वितरण में भी सहायक होती हैं। क्योंकि साइक्लोन आजीवन एक ही सतह पर चिपके हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए इसका वितरण मुश्किल होता है। लेकिन जेम्यूल जो इंटरनल बट के रूप में बन करके पानी की लहरों के साथ, चिड़ियों के पैरों के साथ चिपक कर या चिड़ियों के चोंच के साथ चिपक करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो जर्मिनेट होकर के वो नए साइक्लोन के रूप में विकसित हो जाती हैं। अर्थात ये जो जेम्यूल हैं साइक्लोन के डिस्पर्सल में या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक साइक्लोन के शरीर के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में हजारों की संख्या में जेम्यूल का निर्माण होता है और ये जेम्यूल आगे चल करके यंग साइक्लोन के रूप में विकसित हो जाते हैं, अर्थात इनकी संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस चित्र पे हम देख रहे हैं ये भीतर की ओर इनर मेम्ब्रेन, बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन और इनके बीच में ये स्पिक्यूल्स मौजूद हैं। सबसे ऊपर की सतह पर हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा सुराख जो केवल अनुकूल परिस्थितियों पे ही खुलता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, यह स्थित होता है। और जेम्यूल ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, जेम्यूल को नेकेड आई से भी बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है और इनका जो शेप आकार होता है वो सरसों के दाने की तरह होता है। ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए अब हम देखें साइक्लोन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। साइक्लोन हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है और हर्माफ्रोडाइट का आशय यह है कि एक ही साइक्लोन के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स के निर्माण की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो भी आर्कियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा उनके मीजेनकाइम में विकसित होते हैं या निर्मित होते हैं। गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया ये मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली प्रक्रिया जिसमें मेल गैमेट का निर्माण होता है इसे स्पर्मेटोजिनेसिस कहा जाता है और फीमेल गैमेट या ओवा का निर्माण होने वाली प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीवन चक्र के अनुरूप तीन अवस्थाएं हो रही हैं। पहली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जिसे हम गैमेटोजिनेसिस कहते हैं, दूसरा जो गैमेट बने उनका परस्पर फ्यूजन, मेल और गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उस फर्टिलाइजेशन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है, और तीसरी प्रक्रिया है कि जब जायगोट निर्मित होता है तो उसमें पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप नए साइक्लोन का सृजन और निर्माण होता है। आइए हम गैमेटोजिनेसिस की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। साइक्लोन में मेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजिनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजिनेसिस की प्रक्रिया यह आर्कियोसाइट कोशिका पे होती है। तो साइक्लोन के मीजेनकाइम में आर्कियोसाइट कोशिकाएं ये आकार में बड़ी हो जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन अपने अंदर संचित कर लेती हैं, तत्पश्चात इनका जो आकार होता है ये बदल करके लगभग स्फेरिकल या गोल हो जाता है। इस अवस्था में इस आर्कियोसाइट कोशिका को स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। इस स्पर्मेटोगोनियम में कोशिका विभाजित होती है और इसके उपरांत वह एक या दो कोशिकाओं के द्वारा कवर कर ली जाती है, सुरक्षित कर ली जाती है, और इन कोशिकाओं को कवर सेल कहा जाता है। तो जब स्पर्मेटोगोनियम में कवर सेल का निर्माण हो जाता है तो यह अवस्था स्पर्मेटोसिस्ट कहलाती है। स्पर्मेटोसिस्ट में अब इसका जो न्यूक्लियस है यह दो बार विभाजित होता है, जिनमें से एक विभाजन मियोसिस होता है और इसके परिणाम स्वरूप चार कोशिकाएं बनती हैं
और इन कोशिकाओं से पृथक रूप से अलग अलग मेल गैमिट का निर्माण होता है। तो यहां पर चूंकि चार कोशिकाएं हैं तो इन कोशिकाओं को कहा जाएगा स्पर्मेटोसाइट, और प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट से एक मेल गैमिट या स्पर्म का निर्माण होता है। तो इस तरह से कुल चार मेल गैमिट या स्पर्म का निर्माण होता है। तो एक आर्कियोसाइट कोशिका से अंतिम रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के पूर्णता के उपरांत चार मेल गैमिट का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, इस मेल गैमिट में या स्पर्म में हेड, टेल ये भाग होते हैं, और टेल भाग के कारण से यह गतिशील होता है, और इसलिए जब यह मैच्योर हो जाता है, पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है, विकसित हो जाता है, तत्पश्चात यह मीजेनकाइम को छोड़ करके ये बाहर आ जाता है और पानी की धारा के साथ बहते हुए आस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो साइकॉन में मेल गैमिट शरीर के मीजेनकाइम में बनने के बाद गतिशील होने के कारण से ये पानी की धारा से होते हुए आस्कुलम के द्वारा साइकॉन के शरीर से बाहर चले जाते हैं। आइए ऊजेनेसिस के बारे में देखें। तो आर्कियोसाइट कोशिका से ओवा के निर्माण की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहा जाता है, और ये जो ओवा है ये फीमेल गैमिट कहलाती है। ओवा के निर्माण के लिए आर्कियोसाइट कोशिका ही जिम्मेदार होती है। तो आर्कियोसाइट कोशिका ये एंडोडर्म की कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती है, और एंडोडर्म की इन कोशिकाओं को कहा जाता है कोइनोसाइट कोशिका या फ्लैजिलेटेड सेल। तो ये आर्कियोसाइट सेल भोजन की पर्याप्त मात्रा अपने अंदर संचित करते हुए इन्हीं रेडियल केनाल के कोइनोसाइट कोशिका के संपर्क में आ जाती है। चूंकि इसका आकार अब बदल करके गोल हो जाता है, इसलिए आर्कियोसाइट की इस बदली हुई अवस्था को ऊ साइट कहा जाता है, और इस ऊ साइट में इसका न्यूक्लियस दो बार विभाजित होता है, जिनमें से एक विभाजन मियोसिस होता है और इसके उपरांत फीमेल गैमिट या ओवम का निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक परिपक्व जो ओवम है यह साइकॉन के रेडियल केनाल में उभरा हुआ होता है, तो कोइनोसाइट कोशिकाओं से ये भीतर की ओर उभरी हुई होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक आर्कियोसाइट सेल से केवल एक ही ओवम का निर्माण होता है, और इस निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ऊजेनेसिस। आइए फर्टिलाइजेशन के बारे में देखें। चूंकि मेल गैमिट गतिशील होता है और वह निर्मित होने के बाद साइकॉन के शरीर से बाहर समुद्री जल में चला जाता है, जबकि जो फीमेल गैमिट है ये फीमेल गैमिट स्टैटिक होती हैं, ये गतिहीन होती हैं, इसलिए साइकॉन के शरीर के अंदर ही रहते हुए ये रेडियल केनाल पर उभरी हुई होती हैं, वहीं स्थित होती हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए जब साइकॉन के शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली जल की धारा के साथ जो मेल गैमिट हैं वह भी शरीर के अंदर जब प्रवेश करती हैं, तो ये मेल गैमिट उस जगह पर जहां पर फीमेल गैमिट या ओवम होती है उसके संपर्क में आते हैं, और आने के बाद इन मेल गैमिट को यह कोइनोसाइट कोशिका रिसीव कर लेती है, और रिसीव करते समय इस कोइनोसाइट कोशिका का जो स्वभाव होता है वो एमीबॉयड हो जाता है, और इस तरीके से वह मेल गैमिट को अपने अंदर कवर करते हुए वह उसे फीमेल गैमिट के संपर्क में लाते हुए उसके अंदर भेज देती है, और इस तरीके से मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट या ओवा के संपर्क में आता है तो वह उसके साथ मिलकर के उसे फर्टिलाइज कर देता है, और फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि साइकॉन में मेल और फीमेल गैमिट जब दोनों निर्मित हो रहे हैं तो इनमें स्वनिषेचन क्यों नहीं हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में यह जानना आवश्यक है कि साइकॉन वास्तविक रूप से प्रोटोगाइनस होता है, अर्थात फीमेल गैमिट पहले परिपक्व होती है, मेल गैमिट बाद में परिपक्व होता है, इसलिए दोनों के मैच्योरेशन टाइम में फर्क होने के कारण से
सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है और इसलिए इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो याद रखें कि साइकॉन में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रॉस होता है, दूसरे साइकॉन के शरीर का मेल गैमेट किसी अन्य साइकॉन के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करती है, इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया साइकॉन के शरीर के अंदर रेडियल कैनाल में हो रही है, इसलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात अब वह जो फीमेल गैमिट है वह जाइगोट में बदल जाती है, उसे जाइगोट कहा जाता है, और यह जो जाइगोट है यह मीजेनकाइम में ही स्थित होती है, और यह जो मीजेनकाइम का हिस्सा है उस स्थान पर रेडियल केनाल पर उभरा हुआ होता है जिस स्थान पर जाइगोट स्थित होता है। आइए हम पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। जाइगोट में जो डिवीजन की प्रक्रिया है वह क्रमिक रूप से और बहुत जल्दी संपन्न होती है। इस जाइगोट में जो पहला, दूसरा और तीसरा विभाजन होता है यह विभाजन वर्टिकल होता है, और वर्टिकल का आशय यह है कि जैसे मान लें हम ये जाइगोट है, इस जाइगोट में जो पहला विभाजन होगा ये वर्टिकल होगा और बनने वाली कोशिकाएं ये परस्पर साइड बाय साइड होंगी और ये होलोब्लास्टिक होता है, कोशिकाओं की जो साइज होती है वो समान होती है, इसलिए इसे कहा जाता है फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन। इसी तरह से जब दूसरा वर्टिकल डिवीजन होगा तो यह कोशिका चार भाग में बढ़ जाएगी और चारों के चारों कोशिकाएं ये परस्पर लंबाई पर एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं। तो दो कोशिकाएं सामने की ओर हैं और दो कोशिकाएं पीछे की ओर हैं, इसे फोर सेल स्टेज कहा जाता है। तीसरा विभाजन भी इस जाइगोट में वर्टिकल होता है और इस वर्टिकल डिवीजन के कारण से आठ कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और इसे हम एट सेल स्टेज कहते हैं। चौथा विभाजन यहां ध्यान देने योग्य है कि इनमें चौथा जो विभाजन होता है यह विभाजन हॉरिजॉन्टल या अनुप्रस्थ होता है, साथ ही साथ यह अनइक्वल होता है जिसके फलस्वरूप 16 कोशिकाएं यहां पर बनती हैं। क्योंकि यह विभाजन अनइक्वल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसलिए ऊपर की कोशिकाएं आकार में छोटी हो जाती हैं और नीचे की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। तो जो छोटी कोशिकाएं हैं इन्हें माइक्रोमियर्स कहा जाता है और जो बड़ी कोशिकाएं हैं इन्हें मैक्रोमियर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि विभाजन हॉरिजॉन्टल है और ये मध्य रेखा से न होकर के कुछ ऊपर की ओर हटके होती है, इसलिए बनने वाली कोशिकाएं असमान आकार की होती हैं। तो 16 कोशिकाओं में से 8 कोशिकाएं माइक्रोमियर्स की होती हैं और 8 कोशिकाएं मैक्रोमियर्स की होती हैं। इसके पश्चात यह विभाजन बड़ी तेजी के साथ होता है, फलस्वरूप कोशिका का एक बॉल जैसी रचना निर्मित हो जाती है और इस अवस्था को ब्लास्टुला अवस्था कहा जाता है। तो ब्लास्टुला अवस्था की विशेषता यह है कि कोशिका की एक परत होगी और उन कोशिका के भीतर की सतह पर जो कोशिकाएं हैं, खासतौर पे जो माइक्रोमियर कोशिकाएं हैं, उन माइक्रोमियर कोशिकाओं की सतह पर फ्लैजिला का विकास हो जाता है। जैसे हम मान लें ये एक कोशिका का बॉल है, ये ब्लास्टुला अवस्था है, तो इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं दो तरह की हैं, जो आकार में बड़ी हैं ये मैक्रोमियर हैं और दूसरी जो आकार में छोटी कोशिकाएं हैं ये माइक्रोमियर हैं। तो इन्हीं माइक्रोमियर्स के भीतर की सतह पर ये फ्लैजिला विकसित हो जाता है और इसके पश्चात इस ब्लास्टुला में इन्वर्शन की प्रक्रिया होती है। ये ध्यान देना आवश्यक है कि इन्वर्शन की प्रक्रिया साइकॉन के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इन्वर्स होने का मतलब यह है इसकी भीतर की सतह बाहर आ जाती है और बाहर की सतह भीतर चली जाती है, इसे ही इन्वर्शन कहा जाता है। और इन्वर्शन की यह प्रक्रिया इनके माउथ जो कि एक सुराख के रूप में होती है उसके माध्यम से होती है। तो भीतर की सतह पलट करके बाहर आ जाती है और इस तरह से जो फ्लैजिलेटेड पार्ट होता है, माइक्रोमियर का जो पार्ट होता है, वो
बाहर की ओर दिखाई देने लगती हैं, और यही फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती हैं ये भविष्य में कोइनोसाइट सेल या फ्लैजिलेटेड सेल्स का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनसे एंडोडर्म का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, और जो मैक्रोमियर्स हैं आकार में बड़ी होती हैं, ये कोशिकाएं एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। इस अवस्था में यह जो नया स्वरूप निर्मित हुआ है इसे कहा जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो इन्वर्शन के कारण से ब्लास्टुला से एम्फीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण हुआ, यह साइकॉन की विशेषता है। चूंकि इसके जीवन चक्र में लार्वा का निर्माण हो रहा है इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। चूंकि एम्फीब्लास्टुला लार्वा के शरीर पर बाहर की ओर ये फ्लैजिला मौजूद हैं, इसलिए अब यह साइकॉन के शरीर से इन कोइनोसाइट कोशिकाओं को हटाते हुए ये बाहर रेडियल केनाल में आ जाता है, और रेडियल केनाल में आने के पश्चात यह पानी की धारा के साथ होते हुए उसके आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा मीजेनकाइम में साइकॉन के शरीर के अंदर निर्मित होती है, और पूर्ण विकसित होने के बाद यह उसके जल की धारा के साथ सम्मिलित होते हुए आस्कुलम से शरीर से बाहर निकल आती है। अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा में आगामी जो विकास होगा वो साइकॉन के शरीर के बाहर होगा। कुछ समय तक स्वतंत्रतापूर्वक तैरने के बाद इस एम्फीब्लास्टुला लार्वा में गैस्टुलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस गैस्टुलेशन की प्रक्रिया में इनवेजिनेशन की प्रक्रिया होती है। इनवेजिनेशन का आशय यह है कि जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं ये भीतर की ओर धंसने लगती हैं, और धंसने के कारण से अब यहाँ पर जब सारी कोशिकाएं भीतर की ओर चली जाएंगी तो कोशिकाओं की दो परत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। फ्लैजिलेटेड सेल जब भीतर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं तो ये एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, और दूसरी जो बाहर की ओर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल हैं जो वास्तविक रूप से मैक्रोमियर कोशिकाएं हैं ये एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। तो सेल यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, द्विकोशी स्तर वाला हो जाता है, और इस अवस्था पर इसे गैस्टुला कहा जाता है। अब गैस्टुला किसी आधार पर ठोस आधार पर चिपक जाता है, अपने इस हिस्से से किसी ठोस आधार पर चिपक जाता है, और चिपकने के बाद धीरे धीरे इसकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है, और जिन फ्लैजिलेटेड सेल से घिरा हुआ जो सेंटर का भाग था यह सेंटर भाग स्पॉन्जियोसील में तब्दील हो जाता है। तो साइकॉन में बाहर की ओर एक्टोडर्म, भीतर की ओर एंडोडर्म, और एंडोडर्म के द्वारा घिरी हुई सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसील विकसित हो जाती है, और इस अवस्था में जब इसकी लंबाई और बढ़ने लगती है इस अवस्था को कहा जाता है ओलियंथस स्टेज। तो यह गैस्टुला किसी ठोस आधार पर अपने आप को स्थापित करने के बाद वह ओलियंथस फॉर्म पे तब्दील हो जाता है। ओलियंथस फॉर्म यह साइकॉन के आदिम स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि जो फ्लैजिलेटेड सेल हैं वो अभी स्पॉन्जियोसील की सतह की ओर हैं, अर्थात स्पॉन्जियोसील को घेरे हुए हैं, लेकिन साइकॉन में जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं वो हमेशा रेडियल केनाल में होती हैं, कभी भी स्पॉन्जियोसील में नहीं होती हैं। तो रेडियल केनाल में इन्हें शिफ्ट होना है, और इसके लिए आवश्यक ये होता है कि साइकॉन के स्पॉन्जियोसील वाली जो सतह है वो सतह बाहर की ओर धंसने लगती है। जैसे हम मान लें कि ये जो हिस्सा है ये स्पॉन्जियोसील का हिस्सा है, और इसी हिस्से पर ये फ्लैजिलेटेड सेल लगी हुई होती हैं, तो ये जो हिस्सा है ये बाहर की ओर धंसने लगता है, और इस प्रक्रिया के कारण से जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं वो इन्हीं चैम्बर्स में जा कर के स्थापित हो जाती हैं, और इन्हीं चैम्बर को कहा जाता है रेडियल चैम्बर या फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और इस तरह जब रेडियल केनाल का निर्माण हो जाता है इसके शरीर पर बाहर की सतह पर ऑस्टिया विकसित हो जाती हैं, और स्पॉन्जियोसील
यह आस्कुलम के द्वारा शरीर के बाहर खुल जाता है और इस अवस्था में इसे यंग साइकॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जाइगोट से नए जंतु का निर्माण हुआ। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि एक जाइगोट से केवल एक ही साइकॉन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में चूंकि नए जंतु के निर्माण के लिए मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका जीवन चक्र काफ़ी सरल होता है और जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने के कारण से इनके जीवन चक्र में एम्फीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण होता है। ये साइकॉन की पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट और जीवन चक्र के बारे में विस्तार से जानकारी है। क्वेश्चन अवर परीक्षा में जो सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जेम्यू, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्फीब्लास्टुला, एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन, एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन, और अंतिम है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ साइकॉन। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और ये जानकारियां हमने जिन स्रोत से ली है उनके नाम यहां पर प्रदर्शित हैं। धन्यवाद।